अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? ठीक ठाक फिट एकदम? सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मेकअप करने की ट्रिक। अब वो मैं करूँगा मेकअप आपकी भाभी को, अब पता नहीं चुड़ैल वो तैयार होगी या चुड़ैल बनेगी। चुड़ैल ही। तो ये वीडियो जो है एंड तक मिस नहीं करनी है, एंड तक आपको देखनी है। और वीडियो के साथ साथ, मेकअप के साथ साथ, आपको बहुत सारी कस्टमर को डील करने की ट्रिक्स भी मिलेगी, जिसमें आप आसानी यूज़ कर सकते हो मेरी ट्रिक्स। क्योंकि ये ट्रिक्स आपको इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि मैंने पिछले 18 से 20 साल हो गए मैंने सेल्स में नहीं करी है कस्टमर्स के साथ, और काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी आपके लिए करीब से दिखा दो अपने उनको मेकअप, हमारी फैमिली मेम्बर्स को दिखा दो कि आपका फेस इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप। अब ये देखते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे बेस। बेस लगाएंगे ना यार, हंसी क्यों आ रही है? भूत मत बनो। अब भूत बनो या भूतिया बनो या चुड़ैल बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ साथ ऐसे ऐसे आपको अप्लाई कर लिया। बिस्मिल्लाह ही अव्वल व आखिर, बस पहले स्टार्ट कर लिया, फिर बिस्मिल्लाह बोलो। बिस्मिल्लाह ही अव्वल व आखिर, बस। वैसे भी कलर साफ है, ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी हम अपनी डॉक्टरी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा गाइस, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बताऊं कि मेकअप करते करते आपको ये चीज़ का ख्याल रखना कि बाल जो है ना वो ना आए साथ साथ, तो इससे थोड़ा सा बचाना है। इस तरह से ये साइडों पे अप्लाई कर दिया, आंखों पे कर दिया, हाँ तुम पहले देख लो, उनको देखना तो तुम एंड में देखना, तुम सिर्फ तैयार हो बस खामोशी से। अब खामोशी से तैयार हो ना, बार बार आगे मत झुकना वरना मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा है, ये बता दूँ मैं तुम्हें। मुझे दे देना तुम चुड़ैल बनने के। चुड़ैल बनने के तुम्हें दे दूँ मैं, तुम्हें किस बात की दे दूँ? पहले चुड़ैल बन तो जाओ। किस किस को अपनी अपनी बीवी चुड़ैल लगती है ज़रा कमेंट्स में बताइएगा। नहीं, मेरी बीवी तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, प्यारी नहीं लगती होती तो मैं शादी करता। थोड़ा सा इधर करेंगे आप, थैंक यू। आप चाय कोल्ड ड्रिंक कुछ पिएगी? कुछ चलेगा आपके लिए? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये ट्रिक्स है कस्टमर को बोतल में उतार देंगे। तो फिर ये अपना बेस हमारा लग चुका है, ठीक है? अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे फेस पाउडर। ये हो गया फेस पाउडर, अब आया थोड़ा वॉश हो जाए, सूख जाए थोड़ा सा, सूख जाए नहीं, पहले क्या बोला? ड्राई हो जाए, ड्राई में वॉश बोल रहा था, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। सब जगह लगाया, टेंशन नहीं लो, लग गया। तुम पहले हाथ फेर लो। देखो, मेकअप मेरा ख़राब हो, मैं बार बार नहीं करूँगा, मेरे चार्जेस ज़्यादा हैं, फिर आपको आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखो, ऐसे मत करो। नहीं, गलती कर दी मैंने, फ्रंट कैमरा लगा लिया, मुझे बैक का लगा देता। पाउडर लगा रहा हूँ, ये मेरी मेकअप ट्रिक्स है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा। फेस पाउडर तो मैं लगाती हूँ। है, चलो ये भी हमारा फ़ायदा, इसके अंदर कुछ लेडीज़ होती हैं जो फेस पाउडर नहीं लगाती हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा ये फेस पाउडर की जगह हमने पाउडर लिया है, ठीक है? हल्का हल्का इसको लगाना है ताकि कवर हो जाए जहाँ से बेस रह गया। ये मेकअप मैं कर रहा हूँ अंधाधुन, मुझे नहीं पता मेरी बेगम रात में क्या निकलेगी अभी। अच्छा जी, तो ये
ये हुआ है हमारा फेस पाउडर इस पर अप्लाई। तो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तक तो आपका भाई सही जा रहा है। आगे नहीं जाके पता कि जब शेड्स लगाऊंगा तब शेड के बाद अब मेरी बेगम में पहचानूंगा या नहीं। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसे क्या बोलते हैं ब्रश, आईब्रो ब्रश। ये है आईब्रो ब्रश, इसको यूज़ करते करते इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। पहले ऐसे यहाँ से ऊपर करेंगे, फिर साइडों से ऐसे, एक साइड हो गया, अब ये दूसरी साइड। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपका हाथ जो है ना वो मुंह से दूर रहना चाहिए, वरना वो शेड हट जाएगा ना, जो पाउडर बेस लगाया हमने वो लाइट हो जाएगा किसी एक जगह से, तो फिर मेकअप में फ़र्क आ जाएगा। तो ये हो गया, ब्रश भी हो गया आईब्रो का, ठीक है। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप में हम सबसे पहले लगाएंगे आई शेड, ग्लिटर वाला आई शेड दिखाई, मिस रोज वालों का आई शेड। कौन से आई शेड निकालेंगे? ये आई शेड है, देख ले आप सब भी, ये आई शेड है, सारे इसके शेड्स हैं। अब इसके अंदर ड्रेस के हिसाब से जो है वो हम लगाएंगे ये कलर, बहुत ज़्यादा आई है। आई क्लोज करें आपकी, हंसेंगे, हंसने से आपकी आंखों में झुर्रियां आ गई, क्योंकि आप हंसती हो तो आंखें बंद हो जाती ना, आप हंसे नहीं, आपकी मेहरबानी प्लीज। मेरा मेकअप खराब हुआ, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेरा चार्ज बहुत भारी है, सारी रात रोटियां पकवाता रहूँगा मैं, मेरी मेहनत डबल हुई तो। ऐसे ही बन रखिएगा, डिस्टर्ब नहीं करना मुझे बिल्कुल भी। अच्छा जी, इस तरह से आपको फिंगर्स अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे सस्ता और टिकाऊ मैं आपको मेकअप बता रहा हूँ, जिसमें आपकी चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी और मेकअप भी अच्छा हो जाएगा आपका। ये लग गया मेरे से गलती से एक साइड के ऊपर। तो थोड़ा सा इब्तदा हो चुकी है चुड़ैल बनने में, नहीं 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 बनने दूंगा चुड़ैल, नहीं बनने दूंगा, लगाने दो। ये हो गया माशाल्लाह, ये गट्टे इतने बड़े ना, मेरी उंगली लाजमी इसमें टच हो जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाइएगा हमारी ऑडियंस को, नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, इस तरफ थोड़ा ऊपर है, इस तरफ नीचे है, यहाँ से भी ऊपर से भी लगा। अच्छा जी, माथे तक नहीं, माथे तक नहीं लेके जाऊंगा, टेंशन नहीं लो आप। अब हम यूज़ करेंगे इसके बाद, सबसे पहले तो मैं ये हटाऊं, क्योंकि साइडों पर जो है वो लग चुकी है ग्लिटर, तो आप इस तरीके से पफ से आप हटा सकते हैं। नहीं मैं इससे हटाऊंगा, ये मैं कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। सही है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम यूज़ करेंगे अब ये है बटर चिक्स, और बटर चिक ग्लैमर फेस वालों की है ये प्लेट, कहाँ से खुलती है प्लेट, पैलेट। अरे प्लेट, मैं प्लेट बोल रहा हूँ ना इसको, ये इसमें है सारे शेड्स, तो ये देख सकते हैं ये सारे शेड्स हैं इसके अंदर। इसका नाम किया ये इसका नाम। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, सबसे ज़्यादा जो मुझे यूजेबल लग रहा है मैं सोच रहा हूँ वही शुरू कर दूँ, क्योंकि वही तुम लगा देंगे है ना। अच्छा ऐसे ब्रश में लेने के बाद ना आप चेक कर सकते हैं आपके हाथ पे लगा के कहीं ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया, कहीं पता चले सच में भूतिया निकले मेरी बेगम। अच्छा जी, ये हुआ वन साइड पर, दूसरी साइड दिखाओ भाई।
ये हो गई पूरी गुलाबो 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 बहुत ज्यादा हार्ड वो हो गया इसको लाइट कर दो थोड़ा सा कोई बात नहीं, हमारे पास सारे सॉल्यूशन हैं, आप क्यों फिकर करती हो मैडम, हम अभी आपका मेकअप ठीक कर दिए, बस हो गया, इतनी क्या टेंशन थी हड़ावड़ी। अच्छा जी, आंखों पे लगता है। इसके बाद हम एक और शेड इसमें यूज़ करेंगे, वो शेड है थोड़ा सा चेंज, हल्का हल्का इसको अप्लाई करने, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लिटर में है। दरअसल यहाँ पे थोड़ा अंधेरा आ रहा है ना, इसलिए अंधेरे में पता नहीं चल रहा है, ये डार्क हो जाता है। आप थोड़ा अपना फेस ऐसा करें ताकि मैं मेकअप आपको कर सकूं मैडम, वरना आप मैम मुझे बोलेंगे मुझे चुड़ैल बना दिया, मैं पता नहीं रात का खाना मिले नहीं मिले मुझे खाना, बट डर लगता है मेरे को, खाना नहीं देती है भाई आपकी भाभी, जब ज़्यादा मैं कोई गलती वलती कर दूँ ना तो मुझे खाना भी नहीं मिलता, मुझे कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, मुझे खाना भी खुद बनाना पड़ता है, मुझे कपड़े प्रेस भी खुद करने पड़ते हैं, बहुत डरता हूँ मैं। अब हम लगाएंगे आईलाइनर, तो अब आप अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर लें, मुझे पता है थोड़ी सी मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, मैं आपकी नाक पे ये ब्रश लगाना भूल गया, ठीक है, हल्का हल्का हो गया। अब जो है हम लगाएंगे आईलाइनर, तो ये मुझे लगाना नहीं आता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पता नहीं है कहाँ से कहाँ चले जाए, तो आँखें अपनी बिल्कुल भी टपटपाइएगा नहीं, वरना आईलाइनर जो है वो सूख जाएगा, मेहरबानी करके थोड़ी सी आप आपकी आँखें बंद करें, बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपकी आंखें, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जी, कुछ कस्टमर्स होते हैं वो बात सुनते नहीं हैं, उनको जितना जिस चीज़ का मना करो ना वो ही करते हैं, अब क्या करें, रोजी है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसे कस्टमर्स को। अब देखें, जैसे मैं इन्हें कह रहा हूँ कि आप अपनी आंखें मत टपटपाइएगा, लेकिन नहीं समझ में आ रही, आप अपना दो मिनट के लिए सांस रोकेंगे, मेरे हाथ में आपकी नाक की गरम गरम हवा लग रही है जी, नहीं नहीं अभी नहीं खोलेगा, रुके रुके रुके, एक मीटर पे थोड़ा सा आया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं, जब तक आपको परमिशन ना मिले ना आप अपने पास से कुछ भी ना करें, मेहरबानी कर दे। अब आप खोल सकती हैं अपनी आंखें, बेशक चेक कर लें आप आईलाइनर आपका, कुछ आप भी बोला करो, वो आपको भी सुनना चाहते हैं। मैं तो देख रही हूँ आपको क्या बनाया है अभी बना गए। अच्छा, अब हम यूज करेंगे मस्कारा, ठीक है, मस्कारा का लगाएंगे, मस्कारा में लगाऊंगा आईब्रो पे, आईब्रो पे इसको क्या पलकों पे पलकों पे लगाएंगे हम मस्कारा, ये टन टन। अच्छा जी, हाथ आप आंखें मत हिलाएं, टपटपाएं मत प्लीज, वरना आपकी चुड़ैल बनने का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ।
आंखों के ऊपर लगा दिया। आंखों के ऊपर नहीं लगाया, आईब्रो के ऊपर लगाया, ब्लाउज आंखों के ऊपर लगा दिया। मेरे को घबराहट में मतलब तुम चुड़ैल बन जाओगी, अभी तक सब अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है वैसे, मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ। सब बन सकते हैं। हाँ, सबके पेट पे मैं पानी मार लूँ और पूरे समंदर का पानी मैं पी लूँ। नहीं, सबके पेट पे मैं पानी मार लूँ, पानी नहीं पेट पर लात मार लूँ। सबके पेट पे मैं लात मार लूँ, आँखें खोलनी है, मस्कारा लगा रहा हूँ मैं। मस्कारा लगा रहा हूँ, आँखें बंद कर दिए, मैं बोलो आँखें खोलनी है, हंसना नहीं वरना फिर बंद हो जाएगी, खोलनी है आँखें। छोटी छोटी है, आप देखिए हिले नहीं, बार बार हाथ खिला रही, मेरा हाथ जो है वो ना सही चल नहीं रहा। अच्छा, ऊपर की साइड पे तो हो गया, नीचे की साइड पे भी करना है। अब मेहरबानी करके आप अपनी आंखें मत टपटपाइएगा, इसकी वजह से जो है ना पूरा आईलाइनर मेकअप आपके आंखों का वो ख़राब हो जाएगा। आप मत हिलाओ, मत हिलाओ, आप देखो पहले। आप अपने जो आपके जो मेकअप मैन है ना, आप उन्हें बेजार कर रही हैं, आप उनकी सुन नहीं रही, आप सुने, क्योंकि आपका मेकअप खराब हो जाएगा फिर आप बोलेंगे कैसा तैयार किया ये क्या वो क्या, बाहर जाके आप हमारी बुराइयां करेंगे, हमारे पास दूसरे दो कस्टमर्स नहीं आएंगे। अभी तक सब अच्छा ही जा रहा है, आप टेंशन नहीं लो। हो गया, तो गाइस ये हमारा मस्कारा भी लग चुका है, अब हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। अच्छा, थोड़ी सी इसमें टचिंग मेरे को करना बाकी है, जो मैंने मेकअप करते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो, जैसे कि आंखों के ऊपर थोड़ा सा ये मस्कारा टच हो गया, तो वो मैं रिकवर करूँगा अभी। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। आप देखो हंस रही हो, लिपस्टिक खराब हो रही है। प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज कोऑपरेट करें आप हमारे साथ, आपकी मेहरबानी होगी। फिर आप हंस रही हैं, कौन है सामने? नहीं, सामने तो कोई भी नहीं है, क्यों आपको हंसी आ रही थी? लिपस्टिक लगा रहा हूँ मैं, लिप्स आपस में मिला के आप अपने वो करें, थोड़ा सा साइडों कर लीजिए, ऐसे करें जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आवाज नहीं निकलती। अच्छा, आ करें, आपका मुंह नीचे हो जाता ना, इसलिए आ कर रहा हूँ मैं आपके आगे। देखिए आप, ये आपकी वजह से हुआ है। आप बाबा कभी मुंह खोल बंद करोगे आप तो ऐसा ही होगा। देखो, इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये मिस्टेक आपकी है। यहाँ से थोड़ी सी लिपस्टिक जो है वो लग गई है, साफ कर लेंगे हम ये। अच्छा भाई, लिपस्टिक भी लग चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं अब तक तो सब अच्छा जा रहा है। अब करते हैं हम मेन चीज़, हाइलाइटर। हाइलाइटर देखते हैं अब कैसा लगता है। आप थोड़ा सा जी, ये हो रहा है, हाइलाइटर हो रहा है,
थोड़ा सा इसमें मुझे, मैंने आपको बताया था मुझसे एक मिस्टेक हुई है, मस्कारा थोड़ा सा लग चुका है ऊपर की साइड पर, तो वो मस्कारा जो है मुझे सही करना है। अच्छा जी ये हो गया, थोड़ा सा रुक जाए, अभी रुक जाए, आपको किस बात की जल्दी है? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही। हाँ वही तो बात है, आप कुछ बोलती ही नहीं हो। बोला करो आप, इंटरटेन किया करो आप, छोड़ दें मुझे मेरा काम करने दें, नहीं बिगड़ेगी आपकी लाली। लिपस्टिक हाइलाइटर की मूछें बना दी। हाँ सारी मूछें बन गई आपकी। अच्छा जी हाइलाइटर हो गया थोड़ा सा, ठीक है। दाढ़ी भी, दाढ़ी भी बना दी, मूछें भी बना दी, थोड़ी सी फ्रेंच ले हूं, बीच में मक्खी रख दूं यहाँ पे हाइलाइटर की। अच्छा जी तो ये हुआ है आपकी भाभी का मेकअप। अब इसके अंदर जो मैं कह रहा था मुझे थोड़ा सा वो ऐड करना है जिससे मस्कारा लग चुका था ऊपर, तो ये मिस्टेक आप देखें करीब लाए, ये यहाँ पे मस्कारा लग चुका है ना। अब इस गलती को छुपाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा और मस्कारा ऐड कर, मस्कारा नहीं सॉरी मस्कारा नहीं 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 ग्लिटर वाला आई शेड, इसका गोल्डन शेड है थोड़ा सा ब्लैक से टच होता हुआ, क्योंकि कपड़ों के हिसाब से मैंने मेकअप करा है जी। ये है आँखों का, आँखों की गुस्ताखियाँ, तो गाइस हो गया। अब आप बताएं आपकी भाभी कैसी लग रही है? मेकअप पूरा हो चुका है, कैसे लग रही है? सही किया है, तो मतलब मैं मेकअप भी कर सकता हूँ। आपको पता है इस व्लॉग के लिए मुझे क्या शिकायत मिली कि 2 साल शादी को हो गए आज तक कभी मेकअप नहीं किया, व्लॉग के लिए मुझे मेकअप करो, ये तो हाल है भाई। तो गाइस कैसी लगी हमारी आप सबको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बताइएगा मुझे भी लगा। यही पकड़ने वाली। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, आप सबकी मोहब्बत और प्यार की और ज़्यादा ज़रूरत है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, इससे हमारी कोई भी आने वाली वीडियो जो जैसे ही आएगी सबसे पहले आप उसको वॉच करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे देखते क्यों बोल रही हूँ, अल्लाह हाफिज़।